क्या कर रहे हो? मैं ना हर रोज प्यार पिलाऊं। प्यार कर रहे हो? ओ थैंक यू, अब रहने दो बेटा। अदर कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। मैं तुम्हारी ये बिस्कुट मोटू पर कोकले और कटोरी लाने गया था। तुम अभी भी नहा के आ रहे हो क्या? हाँ, तुम दिन में कितनी बार नहाते हो? नहाना बहुत पसंद है तो कितनी बार नहाते हो? पसंद है। 5 बार 5 बार नहाओगे? लाऊंगा। ओ सर्दी हो जाएगी तो? हाँ, जल्दी हो जाएगी तो दवाई भी लूंगा। नानू लाए है ना दवाई? दवाई नानू लाए हैं? लाए है, कल लाए थे ना। हाँ, ओके, दवा अच्छा लगता है आपको? बहुत ऑरेंज जैसा। ऑरेंज फ्लेवर का? ओ अच्छा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कहीं ले चलो ना घुमाने के लिए। अच्छा घुमाऊंगा तुम कार चला लेते हो? ना। बुलेट? हाँ, चला ले तो पापा मत करते, ऐसे चाबी ऐसे कर देते हैं और दुल्हन के बूढ़े चले आते हैं। मैं चला दूंगा, उनकी जगह छिप जाऊंगा। हाँ ठीक ओके, तो फिर मुझे लेके चलना तुम। है। और कहाँ लेके जाओगे मुझे घुमाने के लिए? मोमो मैगी। ए मोमो मैजिक तो मैं रोज जाती हूँ, कहीं और लेके चलो। हाँ, लेके जाऊंगा गांव पे। गाँव पे हाँ, नानी लानू। नानू नानी जहाँ हैं? हाँ, ओके, कब चलेंगे हम लोग? चलेंगे अब कल चलेंगे। कल तुम्हारा स्कूल है? कल तुम्हारे मेरा स्कूल। कल छुट्टी है, संडे है। हाँ होगा, ये कल छुट्टी है। मैं तो करूंगा। बाय, ओके बोल दो सबको बाय। ओके थैंक यू तुम्हारा। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, और आपको पता है कि कहीं भी अगर बाहर जाना होता है तो भाई थोड़ा बहुत तो रेडी होना बनता है। तो इसीलिए आज मैं सोची थी कि मैं साड़ी पहन के जाऊँगी, बट मेरा मूड चेंज हो गया और मैं पहन ली हूँ सूट। वैसे ये भी बहुत ही प्यारा सा सूट है, कृपा क्रिएशन के पेज से मैं मंगाई हूँ। आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये सूट येलो कलर का है, इसमें प्योर मोती की और जड़ी की कढ़ाई की हुई है। पैंट भी इसका बहुत अच्छा है, एंड दुपट्टा सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी, तो आज ना मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तैयार होने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, बट फिर भी मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, लाइक पॉन्ड्स वाइट ड्यूटी का क्रीम, फेस पाउडर, काजल, लिपस्टिक, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाइज, डेली मेकअप में आप कितना करते हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, तो मैं आज आपको दूंगी। बहुत जल्द मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ, तो उसका भी आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार है, तो मैं वो भी बताऊँगी, बट किसी रीज़न से अभी नहीं बता रही हूँ मैं आप सबको। खैर, आप लोग तो वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें पता कर ही लेते हो। उसके बाद कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि मैं इतनी स्लिम कैसे हूँ। मतलब अभी भी मैं, कल मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था, तो बोल रही थी कि यार तुम कितनी दुबली पतली हो, मतलब एक होता है ना। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं स्लिम कैसे हूँ। भाई देख लो, मतलब क्या रीज़न है, आप अगर रीज़न देख लोगे ना, सुन लोगे ना, तो आपको खुद ही हंसी आएगी कि क्या मतलब ऐसे भी होता है क्या। तो चलो फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, और रेडी होने के बाद अपनी इस सिस्टर के साथ चलती हूँ बाहर। और आज अभी मेरी सिस्टर के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए मैं अकेले छाता ओढ़ के जा रही हूँ, और उसको छाता नहीं दी हूँ, बेचारी धूप में ऐसे ही जा रही है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में आने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर की थी बिरयानी, और मैं खाऊंगी अभी बिरयानी। ठीक है, तो पता है आज ना घर पे खाना, सुबह का नाश्ता बना था, नाश्ता बनने के बाद दोपहर का खाना हम लोग नहीं बनाए थे, क्योंकि आपको भी मैं बताई भी थी कि मेरी मम्मी अभी गांव गई हुई है, तो बस हम 2-3 लोग ही हैं, बस भाई बहन है, तो हमारा खाना ऑलमोस्ट ज़्यादा बाहर ही हो जाता है, घर पे नहीं हो पाता है। तो अभी ना जन्माष्टमी की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल गए हैं। कुछ कान्हा जी के लिए भी ड्रेस वगैरह सब कुछ लेना है, और कुछ अथर्व के लिए भी लेना है, तो अथर्व की बहुत सारी चीज़ें लेनी है।
तो सबकी शॉपिंग करते हैं, फिर शॉपिंग करके चलूँगी मैं घर। बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। इतना थक गई हूँ ना, मैं चली गई थी मार्केट अथर्व के लिए सारा सामान लेने के लिए जो भी उसका लगेगा उसमें कल जन्माष्टमी में, और कुछ यहाँ पे फिर सब्जियाँ वगैरह ले ली मैं। टाइम चलो ठीक है, कब आओगे? ठीक है तो बस मैं क्या हुआ चश्मा से सबको दिखा दिया। तुम्हारा चश्मा ऐसा है ना बिना देखने वाला। तो कहाँ जा रहे हो तुम बताओ? जा रहे हैं बलिया। बलिया नहीं, भरौली जा रहे हो? सॉरी। क्या क्या लेने? कुछ दिल्ली से पार्सल आ रहा है मेरे लिए स्पेशली मोमोज तो अभी जो मेरी सिस्टर आई थी ना लवली, उसको ना स्टेशन छोड़ने के लिए गए हैं लोग, क्योंकि उसका जो भी एग्जाम था हो गया है। अभी वो जा रही है घर, और हम तीनों मार्केट गए थे, बट उसका 5 बजे का ट्रेन था, तो मैं उन लोगों को भेज दी कि तुम लोग जाओ जल्दी स्टेशन, और मैं कुछ शॉपिंग की फिर मैं यहाँ पे आई। अथर्व भी नहीं है प्लीज़ पता है। यहाँ पे ना मैं मूली ली हूँ, मेरा मूली फेवरेट है। किसका किसका फेवरेट है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मूली देख लेती हूँ ना तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, मतलब एक होता है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस सीज़न में। फिर ये है खीरा, और खीरा तो कल लेना ही पड़ेगा ना क्योंकि कल जन्माष्टमी है। उसमें सेब है, संतरा है, और इसमें भी कुछ फ्रूट्स वगैरह है। वहाँ पे कुछ सामान रखी हूँ मैं, ये सारे चीज़ मैं ले ली। बट अभी एक तो चीज़ ऐसा है जो छूट रहा है घर का, मैं रामरेखा घाट भी गई थी बट यार दिमाग से उतर गया, मैं वहाँ पर नहीं ली, मुझे ले लेना चाहिए था, मैं भूल गई, और फिर मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी रेस्टोरेंट पे कोई नहीं है, मेरे पे ही छोड़ के ये लोग गए हैं, तो अभी वैसे भी खाली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे शाम का टाइम है अभी, मैं इतनी ज़्यादा थक गई ना। ये देखो आज मैं ये वाला सूट पहनी हूँ, बहुत ही प्यारा सा सूट है जो कि कृपा क्रिएशन के पेज से मुझे आया है, तो मुझे आज इसका कोलाबरेशन करना था, तो मैं सोची चलो बाहर जाती हूँ तो कोलाबरेशन कर लेती हूँ। वैसे तो आज मुझे 2-3 ना साड़ी का भी कोलाबरेशन करना था, बट नहीं हो पाएगा। कल है तनिष्क में प्रोग्राम, जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम, तो अथर्व को भी बुलाए हैं लोग कान्हा जी बना के, तो मैं सारा सामान खरीद ली हूँ। अब कल उसको अच्छे से रेडी करूँगी फिर ले करके जाऊँगी। कल देखूँ मैं भी कौन सी साड़ी पहनती हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी अच्छे से रेडी हो जाऊँ, जैसा होगा वैसा देखते हैं, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है यार रेडी होकर बाहर जाना। जो लोग बोलते हैं ना कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए या फिर कुछ भी, तो देखो मुझे भी पता है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बट गाइज मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का केयर नहीं करती हूँ, कंट्रोल नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बाहर का चीज़ खाती हूँ, पता है मुझे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाती हूँ। पता नहीं मेरे शरीर में कुछ भी नहीं लगता है, बाहर की चीज़ें खाऊँ, हेल्दी फूड्स खाऊँ, घर का खाऊँ, कुछ भी खा लूँ, मेरे शरीर में कुछ नहीं लगता है। और मैं जैसे शुरू से हूँ दुबली पतली, वैसे भी अभी हूँ। कुछ लोग बोलते हैं डाइट वगैरह, अरे यार कुछ डाइट नहीं करती हूँ, बिरयानी खाई, अभी मैगी खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, पिज्ज़ा खाऊंगी, मतलब मेरा यही काम है डेली का, मोमोज वगैरह चलता रहता है। तो भाई देखो अपना अपना एक शेड्यूल होता है, बट मेरे साथ ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि मैं कुछ डाइट वगैरह लेती हूँ। बस आप इतना समझ लो ना कि मैं सबसे ज़्यादा अगर खाना खाती हूँ ना तो बाहर का खाना खाती हूँ। उसके बाद अभी घर आई, और घर आने के बाद फिर यहाँ पर मैगी बनाना स्टार्ट हो गया है, सोच लो आप। तो गाइस हमारा मैगी बन रहा है, अभी मैगी बन के रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। चार्जर कहाँ है मेरे फोन का? तो गाइस फोन चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज चार्जर लेके नहीं गई थी बाहर, तो फोन डिस्चार्ज है, और फिर अभी मुझे वीडियोस बनाना है और भी। मैगी मसाला मैजिक ये वो डालो क्या? तो डाल दी ना।